नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। अस्सी लाख के जेवरात की चोरी के मामले में फंसे एसपी, पुलिस मुख्यालय ने सरकार से हटाने की अनुशंसा की। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नौकार ज्वेलर से 80 लाख रुपए के जेवरात की चोरी और सिमडेगा में बरामदगी के बाद हेरा फेरी मामले में सिमडेगा के एसपी की परेशानी बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार सीआईडी जांच में आए तथ्यों के आधार पर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से सिमडेगा के एसपी शम्स तबरेज को हटाने की अनुशंसा की है। उल्लेखनीय है कि सिमडेगा पुलिस ने 80 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए, लेकिन सिर्फ 25 लाख रुपए के जेवरात ही दिखाए थे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नौकार ज्वेलर से चोरी किए गए 80 लाख रुपए के जेवरात की सिमडेगा में बरामदगी के बाद हेराफेरी मामले में रांची के रेंज डीआईजी पंकज कंबोज ने पुलिस मुख्यालय को जो रिपोर्ट भेजी थी, उसमें एसपी सिमडेगा शम्स तबरेज पर कई आरोप लगाए थे। डीआईजी की रिपोर्ट पर पुलिस मुख्यालय ने एसपी सिमडेगा को शो कॉज किया है और उनसे बिंदुवार जवाब मांगा था। दूसरी ओर सीआईडी ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का फैसला लिया है। इस मामले में बीते दिन बासजोड़ थाना के तत्कालीन प्रभारी आशीष कुमार, दारोगा संदीप कुमार, पुलिस चालक समेत अन्य आरोपी जेल भेजे गए हैं। अब सीआईडी ने इस मामले में जांच के बाद आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामले में पीसी एक्ट जोड़ने का फैसला किया है। पीसी एक्ट की धारा जोड़ने के बाद पूरे मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। इस मामले के बाद 2008 बैच के सिमडेगा के एसपी शम्स तबरेज का प्रमोशन भी बाधित हो सकता है, क्योंकि साल 2022 में इसी बैच के आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी रैंक में प्रमोशन होना है। जेवरात खपाने के मामले में तत्कालीन डीआईजी और सीआईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सिमडेगा एसपी पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई थी। विभागीय कार्रवाई शुरू होने से शम्स तबरेज का प्रमोशन प्रभावित हो सकता है। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नौकार ज्वेलर से 2 अक्टूबर 2021 को चोरों ने 80 लाख रुपए के जेवरात की चोरी की थी। वहां से भागने के क्रम में 3 अक्टूबर 2021 को सिमडेगा बांसचोर ओपी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में जेवरात बरामद हुआ था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।